क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक। लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें भी और कैपिटल टी में ग्राफ खींचे थे। नहीं तो हम लोग बात कर रहे थे आइसोबारिक प्रोसेस पर, जिसमें हमारा जो है पी वी बराबर एन आर टी, तो ये आपका भी बराबर एन आर बटे पी इंटू टी, या इसी को हम लोग बढ़ा दें तो टी प्लस 273, इसी को थोड़ा और बढ़ा दें एन आर टी बटे पी जोर एन आर बटे पी इंटू 273। तो यदि हम लोग जो है भी और टी में ग्राफ लें, स्मॉल टी में, अब हम लोग जो है एक ग्राफ भी वर्सेस हम लोग टी में लें, जो कि किस में है, डिग्री सी में है, तब हमारा ग्राफ एक तरफ वॉल्यूम ले लीजिए, एक तरफ आप वॉल्यूम ले लीजिए, दूसरे तरफ टी ले लीजिए, ये हमारा डिग्री सी में। यदि टी का वैल्यू माइनस 273 कर दें तो जीरो हो जाएगा। एफ आपका टी का वैल्यू माइनस 273 डिग्री सी कर दें, तब हमारा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक, यहाँ से देखिए जो है ये स्लोप हो गया टेन थीटा के जगह पर, ये हमारा जो है यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लें तो ये आपका थीटा हो जाएगा टेन थीटा एन आर बटे पी हो जाएगा। ये टेम्परेचर जहाँ कट रहा है ये वैल्यू माइनस 273 डिग्री सी, एनसीईआरटी से लीजिएगा तो वहाँ 273.15 लिया है, 0.15 को हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। इतना डिग्री सी पर आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही हमारा जो है ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया सी का वैल्यू, जो कि एन आर बटे पी इंटू 273 होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। नहीं ठीक, तो हम लोग कल जो है यही ग्राफ भी और टी में लिए थे। भी मान लीजिए मीटर क्यू ले लें, इधर टी केल्विन ले लें, तो ये ग्राफ हमारा जो है इस तरह से आपका कहिए सर ये डॉटेड लाइन क्यों मानते हैं, चूँकि यहाँ यदि माइनस 273 डिग्री सी हो जाए तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, लेकिन ये टेम्परेचर जो है ऑप्टेनेबल नहीं है। जब ऑप्टेनेबल नहीं है हम लोग ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हाइपोथेटिकल है, इसीलिए हम लोग डॉटेड लाइन से दिए। तो इसमें हम लोग जो है यहाँ
तो ये डॉटेड लाइन है, ये थीटा हो गया, टेन थीटा, यहाँ भी क्या होगा, एन आर बटे पी। तो ये आपका जो है आइसोबारिक प्रोसेस में भी और टी का ग्राफ हो गया। ये टी जब केल्विन में लेंगे, ये जब टी हम लोग डिग्री सी में लेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कौन कौन सा है, एक क्वेश्चन यहाँ नज़र आ रहा है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ने यदि प्रेशर का वैल्यू दे दिया तो आपको एक न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, होशियार रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ, कल एक प्रॉब्लम भी हम लोग करवाए थे इस पर, आज फिर वही प्रॉब्लम डाटा बदल के बताना ठीक नहीं है। तीसरा, ये हमारा जो है ग्राफ आपका अपने आप में एक क्वेश्चन है। चौथा, कितना टेम्परेचर पर यदि गैस हमारा गैसियस स्टेट में ही रहे तो उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर कितना है, -273 डिग्री सी या 0 केल्विन। तो ये तो हमारा ग्राफ हो गया, नहीं ये आपका जो है ग्राफ हो गया। अब आइए हम लोग आगे बात करें, इन आइसोबारिक प्रोसेस, इन आइसोबारिक प्रोसेस यदि हीट सप्लाई दें एच दू बाहर से, तो ये कुछ पार्ट हीट जो है यह अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्चा करेगा, ने तो ये आपका जो है सम पार्ट ऑफ हीट विल बी यूज्ड इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। ये आपका जो है इंटरनल एनर्जी में यूज होता, ठीक। रिमेनिंग आपका एच टू, आपका रिमेनिंग हीट इज यूज्ड इन एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस को एक्सपेंड करने में एनर्जी खर्चा होता। इसका मतलब H बराबर H1 प्लस H2, ठीक। तो ये हमारा H हो गया NCVdT प्लस PdV। तो ये हमारा जो है, इसी को आप NCVdT क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या हो गया, वर्क डन। ये हमारा NCVdT प्लस PdV हो गया। डेल्टा U को हम लोग क्या कर रहे हैं, NCVdT को डेल्टा W क्या हो गया, PdV। नहीं, यदि आइसोबारिक प्रोसेस में गैसियस सिस्टम को हम लोग बाहर से हीट दे दें तो ये दो मद में खर्चा करेगा। पहला तो है गैस अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का यहाँ क्या सेंस है कि अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, और दूसरा हमारा जो है कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम भी एक्सपेंड करेगा, ने तो वॉल्यूम बढ़ाने में वर्क डन करना पड़ेगा, तो उस वर्क डन में जो है
हीट खर्चा होगा, इसका मतलब हीट जो है दो पार्ट में खर्चा होगा, ठीक। तब देखिए जो है हम लोग एक प्रॉब्लम ले लें, प्रॉब्लम ये ग्राफ ले लेते हैं, एक तरफ पी ले लेते हैं, दूसरी तरफ भी ले लेते हैं, ये हमारा एक ग्राफ है ए बी। मान लीजिए यहाँ पर वॉल्यूम भी है, यहाँ पर आपका वॉल्यूम टू भी है, ठीक। तब हम लोग जो है पूछ रहे हैं इन सोन ग्राफ, इन सोन ग्राफ इन सोन ग्राफ वाला एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टी ए एंड टी बी। दूसरा हमारा जो है वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ गैस, मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर हमारा जो है टू पी है, ठीक। इसको जो है मोबाइल को पॉज करके जो है पहले खुद ट्राई करो। तो सबसे पहला हमारा जो है ए बी जो है कैसा ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा, कौन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा, तो हीट आपका जो है रिप्रेजेंट्स आइसो बारिक प्रोसेस, ये हमारा जो है आइसो बारिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा ने। तो हमारा जो है इसमें हमारा पी कांस्टेंट है, तो पी कांस्टेंट है तो भी समानुपाती टी का, तो भी वन बटे टी वन बराबर भी टू बटे टी टू, ये जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करें तो भी वन के जगह पर क्या हो गया भी, टेम्परेचर टी वन के जगह क्या हो गया टी ए, भी टू के जगह कितना वॉल्यूम है टू बी, टेम्परेचर टी टू किसके लिए है बी के लिए। मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर टी ए है, यहाँ का टेम्परेचर टी बी, तो ये टी बी हो गया, बी भी कट जाएगा, तो टी बी बराबर टू टी ए हो जाएगा। तो ये रिलेशन हो गया किसके किसके बीच, ए और बी ग्राफ के बीच क्या हो गया रिलेशन हो गया ने। अब देखिए वर्क डन इन ए बी, तो पी डेल्टा भी दिस इज अवर फॉर्मूला, प्रेशर कितना दिया हुआ है टू पी, चेंज इन वॉल्यूम कितना है टू भी माइनस भी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा टू पी भी, ठीक। ये तो हो गया हमारा आइसो बारिक प्रोसेस। आइए हम लोग बात करें आइसो कोरिक प्रोसेस। एक प्रोसेस है आइसो कोरिक प्रेशर, आइसो कोरिक प्रोसेस नॉट प्रेशर,
एक दूसरा है आइसो कोरिक प्रोसेस, ठीक। यहाँ कोरिक्स का सेंस है वॉल्यूम्स, तो डिफाइन करें इट इज दैट प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जिसमें हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस को क्या रखते हैं, कॉन्स्टेंट रखते हैं, ठीक। तो ये हमारा जॉइंट गैस लॉ, पी वी बराबर एन आर टी, वी बराबर एन आर बटे पी इंटू टी। इसी को हम लोग आगे बढ़ा दें, एन आर पी टी प्लस 273, ठीक। यहाँ कैपिटल टी जो है इन केल्विन में, स्मॉल टी जो है इन डिग्री सी में। यहाँ भी देखिए जो है भी बराबर एन आर बटे पी इंटू टी बराबर एन आर बटे पी इंटू टी जोर एन आर बटे पी इंटू 273। हम लोग भी और टी में ग्राफ लें तो यहाँ पर इन फॉर गिवन गैस के लिए इन आइसो, यहाँ पर हम लोग जो है भी कांस्टेंट है तो पी को इधर रखिए भी को इधर रखिए, ठीक। तो ये हमारा जो है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाले टर्म को इधर रखें, पी क्या है वेरिएबल। तो यहाँ से देखिए यदि हम लोग बात करें तो हमारा गिवन गैस के लिए इन आइसो कोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस कर रहे हैं, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो एन आर बटे भी इतना हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। नहीं, तब हमारा पी समानुपाती क्या हो जाएगा टी का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर लॉ, या दूसरा नाम है गैलुसिक लॉ। इसका मतलब है इन आइसोकोरिक प्रोसेस में कौन लॉ होल्ड करता है, तो प्रेशर लॉ। इसी में एक क्वेश्चन हम लोग से पूछेगा, इन आइसोकोरिक प्रोसेस ने विच वन लॉ फॉलोज, कौन लॉ फॉलो करता है, तो आंसर क्या, ऐसे चार को चॉइस देगा तो हमारा नाम क्या होगा, प्रेशर लॉ या गैलुसिक लॉ, ठीक।
तो यहाँ से देखिए जो है तो पी समान पाती टी का हो गया, पी वन बटे टी वन बराबर पी टू बटे टी टू। हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्वेशन किस प्रोसेस में लागू होगा, तो ये आइसो कोरिक प्रोसेस, ये फार्मूला जो है ये वैलिड है, ये हमारा वैलिड है इन आइसो कोरिक प्रोसेस के लिए जो है ये लागू है। फिर देखिए जो है यदि हम लोग जो है एक ग्राफ एक तरफ P ले लें, दूसरे तरफ हम लोग जो है T ले लें केल्विन में, मान लीजिए इसको पास्कल में ले लें, तो ग्राफ हमारा कैसा होगा? ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से चलेगा। यहाँ डॉटेड लाइन क्यों लिए हैं? ये जीरो केल्विन टेम्परेचर हमारा ऑब्टेनेबल नहीं है, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, टेन थीटा कितना हो जाएगा, एन आर बटे भी हो जाएगा, नहीं ये आपका जो है एन आर बटे भी हो जाएगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ, नहीं ठीक। हम लोग यदि कहें क्वेश्चन के रूप में ए ग्राफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एज ड्रॉन इन आइसोकोरिक प्रोसेस एट 20 लीटर वॉल्यूम ऑफ टू मोल्स नाइट्रोजन, कैलकुलेट स्लोप ऑफ ग्राफ। तब अभी के लिए ये सवाल ना, अभी तो स्लोप हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं, अभी तो कोई दिमाग नहीं लगाना। यही क्वेश्चन यदि 45 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन निकलेगा तब जो है ये सवाल बनाना नदी में मछली पकड़ने के जैसा हो जाएगा, और अभी क्या है बाल्टी में मछली पकड़ने जैसा है कि मछली देखे मारेंगे हाथ लगाएंगे मछली आ जाएगा, तो अभी के लिए ये नहीं है। तो हमारा टेन थीटा क्या होगा, एन आर बटे भी, ये दो हो गया 8.31 हो गया, वॉल्यूम कितना लिए हैं 20 लीटर, SI में लेंगे तो कितना हो जाएगा 10^-3 मीटर क्यूब में, इकाई हम लोग का क्या होगा, ये आपका पास्कल पर केल्विन, इकाई हमारा क्या हो जाएगा पास्कल पर केल्विन हो जाएगा, नहीं ठीक। कहिए कहाँ से इकाई, कल भी हम लोग चर्चा किए थे टेन थीटा लंब के रूप में कौन है प्रेशर, प्रेशर किस में लिए हैं पास्कल में, यहाँ बेस के रूप में कौन है टेम्परेचर किस में लिए हैं केल्विन में, ठीक। तो ये तो ग्राफ हो गया, आइए हम लोग जो है इसी ग्राफ को हम लोग टेम्परेचर जो है डिग्री सी में लेके खींचे, इसी ग्राफ को
यदि हम लोग जो है एक तरफ हम लोग जो है पी ले लें, इधर हम लोग टी ले लें डिग्री सी में, तब ये ग्राफ क्या होगा? हम लोग का फॉर्मूला क्या है? पी बराबर एन आर बटे भी इंटू टी, एन आर बटे भी इंटू 273। तो वाई बराबर टेन थीटा एक्स प्लस सी, दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वाई के जगह क्या हो गया? पी। एक्स के जगह पर क्या हो गया? टी। सी के जगह पर क्या हो गया? एन आर बटे भी इंटू 273। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन आर बटे भी। सी का वैल्यू कितना है? एन आर बटे भी गुना 273। ये दो चीज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। थ्योरी पढ़िए तो अपने आप से सवाल पूछते रहिए कि हमारा क्वेश्चन के रूप में आपका जो है क्या क्या जो है थ्योरी पूछ सकता है। तो ये ग्राफ हमारा कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरह से ग्राफ चलेगा। नहीं, ये हमारा माइनस 273 डिग्री सी हो जाएगा। ये थीटा हो गया, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? एन आर बटे भी। ये क्या हो गया? सी का वैल्यू एन आर बटे भी गुना 273, ये वाला चीज। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक, तो हमारा ये एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इस ग्राफ का इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना हो गया? ये स्लोप हो गया। कहेगा कि प्रेशर कब जीरो हो जाएगा? नहीं, किसी भी गैस का यदि आइडियल गैस है कब? तो कहिए माइनस 273 डिग्री सी पर। तो एक अपने आप में ये क्वेश्चन है जिसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारा प्रेशर क्या मिल रहा है? जीरो। लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिस में यदि माइनस 273 डिग्री सी पर आप गैस को ले आइएगा तो सब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। गैस नेचर रहता ही नहीं। और दूसरी बात क्या है कि हमारा 273 डिग्री सी, माइनस 273 डिग्री सी, ये टेम्परेचर ऑप्टेनेबल नहीं है। प्रैक्टिस में इतना कम टेम्परेचर आप ऑप्टेन नहीं कर सकते। ना तो टेम्परेचर ऑप्टेनेबल है और ना ही कोई गैस है जो कि माइनस 273 डिग्री सी पर वो गैसियस स्टेट में रहे। दोनों बात ठीक। तो ये तो हो गया आपका जो है ग्राफ से रिलेटेड। ये सारा ग्राफ किससे है? जब हमारा आइसो कोरिक प्रोसेस के लिए। ये ग्राफ जो है किसके लिए है? फॉर आइसो कोरिक प्रोसेस में, जिसमें वॉल्यूम हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। किसी को ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, सब मैथमेटिकल है। नहीं, अब आइए हम लोग इन आइसोकोरिक प्रोसेस में यदि हीट सप्लाई देंगे तब हमारा सिर्फ जो है एक्सपेंशन में वर्क डन होगा, सॉरी एक्सपेंशन में वर्क डन नहीं होगा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। यदि हम लोग जो है हीट सप्लाई दें इन आइसो
कोरिक प्रोसेस, तो ये हमारा एच, तो सिर्फ आपका जो है विल बी यूज्ड इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। ये हमारा जो है सिर्फ इंटरनल एनर्जी में को इंक्रीज करने में खर्चा होगा। तो ये हमारा जो है यहाँ एच बराबर क्या हो जाएगा, एन सी वी डी टी। यहाँ आपका डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा भी, तो ये आपका जो है पी डेल्टा भी क्या है, जीरो। तो कोई बर्डन नहीं होगा, चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, तब देखिए जो है एक हम लोग प्रॉब्लम बनाए, एक हम लोग जो है प्रॉब्लम बनाए, ठीक, इन सोन ग्राफ एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग टी ए टी बी एंड टी सी। दूसरा, कैलकुलेट टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालना। पहुँच करके पहले अपने से बनाओ, नहीं बनेगा तब फिर मेरा सलूशन देखना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले तो देखिए ए बी, ये हमारा कैसा रिप्रेजेंट्स आइसो बारिक प्रोसेस। ये हमारा ए बी ग्राफ जो है ये किसको, कैसा प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका आइसो बारिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, हमारा जो है बी सी, ये आपका जो है रिप्रेजेंट्स आइसो कोरिक प्रोसेस। यहाँ देखिए बी और सी में वॉल्यूम क्या है, थ्री भी कांस्टेंट है। ए और बी ग्राफ में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। तब देखिए जो है फॉर ए बी ग्राफ के लिए, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो भी समानुपाती टी,
तो वी वन बटे टी वन बराबर वी टू बटे टी टू। वी कितना हो गया, वी टी वन कितना हो गया, तो ये आपका जो है यहाँ से टी ए हो गया, फिर हमारा टू वी बटे क्या हो जाएगा टी वी, टू भी नहीं थ्री भी है, भी कट जाएगा, तो टी वी बराबर क्या हो जाएगा थ्री टी ए। ठीक, फिर देखिए जो है फॉर बी सी ग्राफ के लिए, बी सी ग्राफ के लिए तो हमारा इसमें क्या है भी कांस्टेंट। ठीक, तो ये आपका जो है ए बी ग्राफ में यहाँ क्या है पी कांस्टेंट था, इसमें हमारा बी सी में क्या है भी कांस्टेंट, तो पी समानुपाती टी हो गया, तो ये आपका जो है पी बी बटा टी बी बराबर पी सी बटे टी सी। पी बी कितना है टू पी, तो यहाँ हमारा टू पी बटे टी बी, पी सी कितना है पी बटा टी सी, पी पी कट जाएगा, तो यहाँ से आपका जो है टी सी कितना हो जाएगा टी बी हो जाएगा टू टी सी के बराबर, और यहाँ टी बी बराबर क्या है थ्री टी ए, तो रिलेशन हमारा तीनों में क्या हो जाएगा, तब हमारा जो है ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो फ्रॉम आपका फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आपका टी बी बराबर थ्री टी ए बराबर टू टी सी, ये तीनों में क्या हो गया रिलेशन हो गया। अब आइए हमारा वर्क डन, वर्क डन के लिए तो ये आपका डब्लू डब्लू ए बी जोड़ डब्लू बी सी, तो ये आपका ए बी में तो टू पी थ्री भी माइनस भी। ठीक, और इसमें हमारा जो है ये क्या होगा जीरो, क्यों जीरो होगा, इसमें डेल्टा भी जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा फोर पी भी, तो ये तो हो गया आपका सलूशन। अब आइए हम लोग बात करें, एक है आइसो थर्मल प्रोसेस, एक हमारा है आइसो थर्मल प्रोसेस, एक हमारा है आइसो थर्मल प्रोसेस। आइसो का सेंस है बराबर, यहाँ थर्मल का सेंस है टेम्परेचर, वैसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो ने उसको हम लोग क्या कहेंगे आइसो थर्मल प्रोसेस। इट इज दैट प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये वैसा प्रोसेस है ने जिसमें टेम्परेचर
कांस्टेंट रहता, तो पी वी बराबर एन आर टी ने फॉर गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एन आर टी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तब हमारा पी वी बराबर एन आर टी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो गया, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो गया। इसको हम लोग कहते हैं बॉयल्स लॉ। इसमें हम लोग क्या कहते हैं बॉयल्स लॉ। इसका मतलब आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ फॉलोज। इसी क्वेश्चन के रूप में देगा तो कहेगा इन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग आपका लॉज फॉलोज, तो चार गो नाम देगा उसमें से एक बॉयल्स लॉ भी रहेगा, जो सही चॉइस बॉयल्स लॉ होगा। नहीं, इसको हम लोग स्टेटमेंट के रूप में लिख दिए हैं। अब देखिए जो है, तो हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या सीखे कि वैसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, ठीक, इसमें कौन लॉ फॉलो करता है तो बॉयल्स लॉ। दो क्वेश्चन आपको मिल गया। अब देखिए जो है, अब हमारा जो है इन बॉयल्स लॉ, तो पी वी बराबर कांस्टेंट दैट इज एन आर टी, इसका मतलब पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू, या पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी। प्रेशर को बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तब देखिए